नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर मैं आपके साथ अपनी सीरीज़ जो प्लॉट चेंज से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट आपने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट परचेज किया है किसी के कहने पर परचेज किया है सलाह लेकर परचेज किया है या आपने जाने अनजाने में परचेज कर लिया है तो आप ऐसे प्लॉट के अंदर अपना घर बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जरूर देखें मेरी यह सीरीज़ आपके घर को दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम पॉइंट घर बनाने के लिए जितने भी मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो सारे अपनी सीरीज में सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है आज का विषय है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट आपका अपना प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और आप इसमें अपना घर बनाने जा रहे हैं तो ऐसा प्लॉट वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छा माना जाता है मेरा अपना अनुभव है कि जो व्यक्ति ऐसा प्लॉट खरीद लेता है और ऐसे प्लॉट में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बना लेता है तो उस घर में रहने वाले हमेशा ही खुशहाल होते हैं उनके घर के अंदर दो प्रकार के फ़ायदे होते हैं पहले पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे शादी के लायक होते हैं तो उनके यहाँ बच्चों की शादी समय पर हो जाती है दूसरा पॉइंट जिनके यहाँ संतान नहीं होती वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेकर वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना घर बना लेता है तो उनके यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है और मेरा अपना अनुभव भी कहता है तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने घर का फ्लोर का लेवल कौन सा ऊंचा रखना है यानी किस दिशा का फ्लोर लेवल ऊंचा होना चाहिए और किस दिशा में फ्लोर लेवल नीचा होना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा आपका अपना नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है उसमें आपने फ्रंट का भाग यानी नॉर्थ ईस्ट जोन आपने नीचे रखनी है और बैक साइड का जो ओपन एरिया है यानी साउथ वेस्ट जोन आपने ऊंची रखनी है इसी के साथ आपने ध्यान रखना है जो आपकी अपनी बनी बिल्डिंग है यानी जहां आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें भी साउथ वेस्ट का हिस्सा हमेशा ऊंचा होना चाहिए जब भी साउथ वेस्ट का हिस्सा ऊँचा होता है तो हमेशा लाइफ सेफ होती है और घर के अंदर खुशहाली आती है बच्चों की शादी नहीं हो रही तो बच्चों की शादी भी समय पर हो जाती है और घर के अंदर संतान नहीं है तो उस घर के अंदर संतान भी आ जाती है और उनके यहाँ जो भी संतान आती है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आती है क्यों आती है क्योंकि साउथ वेस्ट जोन मजबूत हो जाती है ऊंची हो जाती है और नॉर्थ वेस्ट जोन नीची हो जाती है खुली हो जाती है खाली हो जाती है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है और आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ रहा है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वास्तु दोष बन चुके हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जरूर देखें जहाँ जितनी जो गलतियाँ हो गई हैं उनकी रेमिडीज़ आप ज़रूर करें उनके उपाय ज़रूर करें कहीं ना कहीं उन उपायों से आपको राहत जरूर मिलेगी और जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वो चीज़ें भी जरूर चेंज करें वहाँ पर वास्तु दोष को दूर करें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 300 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है और हर एक वीडियो में मैंने वास्तु शास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई सीरीज़ हैं या नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप हमारे यहाँ से बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसको पढ़कर मैंने वास्तुशास्त्र को सीखा है और हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है आप भी अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप वास्तु शास्त्र का कोर्स कर रहे हैं या आप वास्तु शास्त्र में रुचि रखते हैं या आप आर्किटेक्ट है या स्टूडेंट है या इंटीरियर डिजाइनर है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं आप हमारी यह पुस्तक पढ़कर वास्तुशास्त्र क्या है और वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे हमारे इस पुस्तक के अंदर वास्तुशास्त्र के साथ साथ हमारे पिताजी का अपना अनुभव लिखा है आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार